बहुत शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आने का, कुछ इश्यूज हैं बहुत ही बर्निंग जो इस वक्त खसूसन हमारी रियासत के और बिलखसूस कश्मीर वादी के। सबसे पहले आपके माध्यम से हम जो कल सोपो इधर कुपवारा में जो बाइक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें दो जाने चली गई हैं एक ही घर की, हमारी गुजारिश तमाम पेरेंट्स से होगी, पहले अल्लाह उनको मगफिरत करे आमीन और उनके घर वालों को हिम्मत बख्शे कि उनका वो सदमा बर्दाश्त कर सके, मगफिरत करे उनको। यहां पे ये एक मेनेस अब बन गया है, स्टंट बाइकिंग, और शायद अब सिविल सोसाइटी को सामने आना पड़ेगा। जहां जहां आप ये देखें ऐसे बच्चे बिना हेलमेट के बाइक्स पे तेज रफ्तारी से और बाइक्स को घुमाकर दाएं बाएं, उनको हमको लगता है कि जो जो जहां पर हो वहां पर उनको रोका जाए सिविल सोसाइटी की तरफ से, शायद कुछ जाने बचे। नंबर दो, ट्रैफिक पुलिस पे, हम सब पे, सिविल सोसाइटी पे भी, सियासतदानों पे, हर किसी पे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे, ये हम सबकी जिम्मेवारी है। जहां भी किसी बाइक को देखा आपने, आप लोगों के भी, भाई हेलमेट के बगैर नहीं चलेगी बाइक, आपके पीछे भी जो बैठा होगा उसको भी हेलमेट लगाना पड़ेगा, नहीं तो हम ये जाने जाया कर रहे हैं। और अगर इस पर ट्रैफिक डिपार्टमेंट, उनसे मैं खसूसन दरखास्त करूंगा यहां के आईजी ट्रैफिक से, कि आप बराए करम, हां आपके पास शायद फोर्स की कमी हो मगर जितना भी आपके पास है आप खुद बगैर ये कि आप ऑफिस में बैठें आप रोड्स पे जाएं और किसी बाइक वाले को बगैर हेलमेट के या तेज रफ्तारी से ना चलने दें। ये हमारी गुजारिश है आपकी चैनल के थ्रू, डायरेक्ट मैं आज बात कर रहा हूं आपकी चैनल के थ्रू अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि आप इस पर फिलफौर कार्रवाई करें, ये बहुत ही सीरियस मैटर है। नंबर दो, हम कुछ दिनों पहले जो लीडर्स थे यहां की सियासी जमातों के, गवर्नर साहब से मिलने गए थे उनके बुलावे पर, और वहां पे बातें हुई यात्रा के मुतालिक।